है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में एक नई रोम इंस्टॉल करके रखा हुआ अपने अपने पोको M2 प्रो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोम देखने को मिलता है नूसन तारा प्रोजेक्ट। गाइस इसका मैंने लार्ज बिल्ड का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल रखा है, ये गाइस न्यू बिल्ड आपको देखने को मिलता है। करेंगे इसका रिव्यू और देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हो आपको 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे नूसन तारा वर्जन देखने को मिलता है 2.5। यहाँ पे गाइस नीचे आपको सिक्योरिटी पैच 5 दिसंबर का देखने को मिलता है, और जो इसमें आपको कर्नल देखने को मिलता है 4.14.213 सिलोन टी न्यूसन तारा देखने को मिलता है, जो कि एक कस्टम कर्नल है इस बिल्ड में इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ परफॉर्मेंस हमें इस रोम में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसके सिस्टम में, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको गेस्टर्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। गेस्टर्स की मदद से अपना डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला ऑप्शन आपको क्विकली ओपन कैमरा का देखने को मिलता है, आप डबल टैप करते हो अपने पावर बटन को तो ये कैमरा ओपन कर देता है। दूसरा ऑप्शन आपको सिस्टम नेविगेशन का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको गेस्चर नेविगेशन, 2-बटन नेविगेशन और 3-बटन नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गेस्चर नेविगेशन में आपको हैप्टिक फीडबैक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे गेस्चर का बार लेंथ रेडियस ये सभी या इंक्रीज या हाइड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शो बैक एरो एनिमेशन भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दोनों ही सिक्योरिटी का सपोर्ट देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों ही काफ़ी अच्छे से वर्क करते, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे ऐप लॉकर का सपोर्ट आपको मिसिंग देखने को मिल जाता है इस रोम में। फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा डिवाइस लॉक है, मैं अपना फिंगर रखता हूँ, ये अनलॉक हो जाता है। थोड़ा आपको डीले देखने को मिल जाता है अनलॉक होने में, लेकिन ये अनलॉक हो जाता है, आपको वाइब्रेशन का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस अगला ऑप्शन आपको फेस अनलॉक का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। मैंने टेस्ट कर रखा, तो यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो ये अनलॉक हो जाता है और काफ़ी इंस्टेंट अनलॉक होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है अनलॉक होने में। यहाँ पे गाइस और भी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले में आपको कई सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे, डबल टैप टू वेक। और गाइस यहाँ पे नीचे आपको फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, यहाँ पे डिस्प्ले का जो साइज है उससे आपको इंक्रीज या डिक्रीज करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डार्क थीम और लाइट थीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप इसे टॉगल बटन का यूज़ करके इसे एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। डार्क थीम में आप देख सकते हो आपको ब्लू कलर का एंशिएंट कलर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। UI काफ़ी स्मूथ देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर में बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, आपको डार्क थीम में आपको बैकग्राउंड देखने को मिलता है, और लाइट थीम में आपको वाइड बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। UI में आपको पिक्सल UI का लॉन्चर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे होम सेटिंग में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन का जो डॉट वगैरह है यहाँ से सेट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे बबल्स वगैरह भी एनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप एट ए ग्लांस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आपको इस तरह यहाँ पे आपको -1 स्क्रीन के ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, जो कि गूगल की तरफ से आपको न्यूज़ का फीडबैक देखने को मिल जाता है। और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे गाइस आपको होम स्क्रीन रोटेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर ऑटो रोटेट ऑन करते हो तो ये एनेबल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका होम स्क्रीन रोटेट हो जाता है और काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे गाइस आपको दिखा दूँ कि आपको प्री इंस्टॉल क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो इसमें आपको GApps प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको वांस का मॉडेड APK देखने को मिलता है, यूट्यूब का और यूट्यूब म्यूजिक का, दोनों काफ़ी अच्छे से वर्क, बैकग्राउंड यूट्यूब भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे गाइस आपको कैमरा में कैमरा गो का सपोर्ट देखने को मिलता है प्री इंस्टॉल्ड इस रोम के साथ, जहाँ पे आपको ओरिजिनल कैमरा इंस्टॉल देखने को मिलता है, मॉडेड कैमरा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको 4 मोड देखने को मिलता है, फोटो, पोर्ट्रेट, वीडियो और ट्रांसलेटर मोड। हर एक मोड में ऊपर आपको सेटिंग का टैब देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से कस्टमाइज सेटिंग वगैरह सेट कर सकते हो और कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे गाइस FM रेडियो का सपोर्ट आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। सेफ्टी नेट फीचर की बात करते हो आपको लाइव टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कांट एसेस प्ले स्टोर देखने को मिलता है, तो इसमें आपको सेटिंग में जाके आप प्ले स्टोर में चेक करते हो डिवाइस सर्टिफाइड है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड लिख के आ रहा है, जिसका मतलब आप बैंकिंग ऐप वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, आपको बाईपास करना पड़ जाएगा। DRM इन्फो की बात करूँ तो सपोर्टेड रिफ्रेश रेट 60Hz का दिखाता है, और इसमें आपको Wide 1 L3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बेंचमार्क टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप स्कोर देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्कोर देखने को मिलता है 2,56,000 का, जो कि हाई परफॉर्मेंस आपको देता है, काफ़ी अच्छे से ये रोम ऑप्टिमाइज है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। रैंकिंग में आप कंपेयर भी कर सकते, ग्लोबल स्कोर देखने को मिलता है आपको इस डिवाइस का। यहाँ पे गाइस कस्टमाइजेशन की बात करूँ तो आप यहाँ पे जा सकते हो सेटिंग में, आपको यहाँ पे नूसन तारा विंग्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है, आप सेम चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको लास्ट बिल्ड में देखने को मिल जाता था, सभी चीज़ें आपको सेम देखने को मिलती है, कोई भी एक्स्ट्रा चेंज लॉग देखने को नहीं मिलता, तो मैं ये ऑप्शन आपको नहीं दिखाऊंगा। अब गाइस यहाँ पे आपको PUBG टेस्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह का आपको ये रोम में परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो मैं PUBG का लोड हो चुका, हम जाएंगे इसके सेटिंग के टैब में। तो यहाँ पे आप
और यहाँ पे ग्राफिक्स में आप देख सकते हो आपको डिफॉल्ट HD विथ हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। बैलेंस में आपको अल्ट्रा FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलता है, उससे स्मूथ में भी सेम सेटिंग देखने को मिल जाता है। HDR ऑप्शन आपको अवेलेबल देखने को नहीं। हम इसमें गेम प्ले करेंगे और देखेंगे गेम का परफॉर्मेंस हमें किस तरह का देखने को मिलता है इस रॉम में।
गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो गेमिंग के लिए रोम आपको प्रीफर नहीं करना चाहिए क्योंकि काफ़ी लैग देखने को मिलता है, तो भी आप डिसेंट से गेमिंग कर सकते हो इस रोम में। अगर आप नॉर्मल गेमर हो, ज़्यादा कुछ आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। अब यहाँ पे गाइस हम बढ़ते हैं इसके इंस्टॉलेशन की तरफ में, तो हम फ़ोन बूट करेंगे रिकवरी मोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस हमारा डिवाइस बूट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सभी चीज़ें वाइप कर लेना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, इसे कर देना है वाइप। इसके बाद गाइस आपको जो मैं फाइल्स दे रखूँगा अपने इंटरनल स्टोरेज में या मेमोरी कार्ड में कॉपी कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी रोम की फाइल देखने को मिल जाती है, ये आपको लेटेस्ट बिल्ड देखने को मिल जाता है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसे मैं कर दूंगा स्वाइप। और ये देख सकते हो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इंस्टॉलेशन में 2 से 3 मिनट लगेंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए आपका इंस्टॉलेशन होने का। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो गया। और गाइस अगर आप डिक्रिप्टेड हो तो आप डिक्रिप्टेड फाइल फ्लैश कर लीजिए और आपको फॉर्मेट डेटा करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप डिक्रिप्टेड नहीं हो तो आपको फॉर्मेट डेटा करना पड़ेगा, फिर आपका रोम है वो बूट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बूट नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा। तो मैं डिक्रिप्टेड नहीं तो मैं इसे येस करता, और यहाँ पे देख सकते ये फॉर्मेट डेटा हो रहा है। गाइस यहाँ पे मैं करूँगा रिबूट सिस्टम। तो गाइस कुछ इस तरह से ये रोम आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है फ्लैशिंग के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, या टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मैं ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आज के वीडियो में नहीं मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए रोम के साथ।